हेलो देयर, दिस इज़ द घोस्ट हियर और स्वागत करता हूँ आपको दूसरे पार्ट में ऑफ द वीडियो ऑल यू नीड टू नो अबाउट द न्यू एरा ऑफ पबजी मोबाइल। तो ये पार्ट मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जो पहला पार्ट अपलोड किया था, बड़ा वाला पूरा पार्ट, उस पार्ट में मैंने सारी चीज़ इंक्लूड नहीं की थी और वो पार्ट बेसिकली अपलोड के बाद ब्लैक स्क्रीन हो गया तो मुझे वो डिलीट करना पड़ा। मैंने पार्ट वन ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया रहेगा। अब आते हैं हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर जो चीज़ें मैंने पार्ट वन पे बताई थी लेकिन उसके बारे में कुछ बताया नहीं था, तो वो हम पार्ट टू में डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने वाले हैं जो एक नया टीज़र आया है पबजी मोबाइल का, इरेंगल 2.0 या फिर एंडी से रिलेटेड, वो भी मैं बताऊँगा उसके बारे में। तो लेट्स राइट। अब आते हैं हमारे पहले मेन टॉपिक के, जो कि है टेक का यूज़र इंटरफेस, यूआई, जो लॉबी का जो इंटरफेस होता है वो। सो बेसिकली यहाँ पर यूआई चेंज किया गया है। ये पूरा लाइव से मैंने फुटेज उठा के लिया है और आप देख सकते हो यहाँ पर कैरेक्टर को थोड़ा ठीक ठाक किया गया है, बॉडी फिटनेस ठीक की गई है। राइट साइड के ऊपर आप जो देख रहे हो वो है आरपी शॉप्स, यानी कि जहाँ से हम परचेज करते हैं वो जगह। राइट साइड के नीचे मिशंस, इन्वेंटरी, सेटिंग्स वगैरह है। लेफ्ट साइड के ऊपर है सोशल्स, जहाँ से हम फ्रेंड को ऐड कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं टीम अप करने के लिए। और लेफ्ट साइड के नीचे है मैच मेकिंग, यहाँ पर हम स्टार्ट करके मैच मेकिंग कर सकते हैं या फिर मैप चूज़ कर सकते हैं, मोड्स चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये यूज़र इंटरफेस मुझे थोड़ा थोड़ा पबजी पीसी जैसा लग रहा है एंड शायद ये है भी। इसे थोड़ा जूम किया गया है और इंटरफेस को बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, भाई मैंने बोला ही था। अब मैं पहले आपको एक क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, उस क्लिप को देखने के बाद आप सोचना कि ये क्या हो सकता है और मैं बताऊँगा कि ये क्या हो सकता है, मुझे क्या लगता है। तो पहले क्लिप देख लीजिए। A new chapter has begun. The key to survival is change and adaptation. This drastic change will help us find a better path. तो जैसा कि आपने वीडियो क्लिप देखा, मुझे तो लगता है ये इरेंगल 2.0 से रिलेटेड कुछ है क्योंकि हम क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि कोचिंग की के ऊपर जो चर्च रहता है उसका एक 3D व्यू बनाया गया है। अब ये समझ में तो नहीं आ रहा, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये एंडी से रिलेटेड है क्योंकि कुछ दिन पहले पबजी ने एक न्यू इवेंट अनाउंस किया था कुछ सेलिब्रेशन करके, और उस इवेंट पे बेसिकली उन्होंने ये बताया था कि सब लोग तो इधर है लेकिन एंडी किधर है। अब मुझे तो लगता है ये एंडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं क्योंकि अगर एंडी वहाँ पर नहीं है तो शायद एंडी यहाँ पर कुछ प्लान कर रहा है उनको, मतलब सबक सिखाने के लिए या फिर ऐसा ही कुछ। सबको भी लगता है, यही लगता है, आप किसी भी वीडियो के थंबनेल पे देख लो, शायद यही होगा। सो अब ये भी हो सकता है कि एंडी को पूरे गेम से वो निकाल रहे हैं किसी और रीज़न के लिए और ये टीज़र सिर्फ इरेंगल 2.0 से रिलेटेड है, एंडी से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। अब कुछ भी पता ना नहीं, मतलब कुछ भी बताना अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि पबजी तो कुछ अनाउंस करते नहीं है। अब सब पता चलेगा 8 सितंबर। लेकिन जैसे कि आप इस पिक पे साफ साफ देख सकते हो कि ये मेरे को किसी भी तरह से एंडी के बाल नहीं लगते क्योंकि एंडी के सिर्फ ऐसे नहीं रहते। आप यहाँ पर भी मैचिंग करके देख सकते हो तो मुझे नहीं लगता ये एंडी से कहीं तक भी रिलेटेड है। अब हो भी सकता है लेकिन मुझे जितना दूर लगता है ये रंगल 2.0 से रिलेटेड है। सो रिलीज़ होने के बाद ही हमें ये पता चलेगा। बेसिकली इस न्यू एरा का जो मेन अट्रैक्शन है शायद ये वही है। जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हो, इरेंगल 2.0, इरेंगल का न्यू मैप, न्यू
रीडिज़ाइंड मैप। तो बेसिकली ये मैप आएगा या फिर नहीं आएगा, तो जिन लोगों ने ये लाइव देखी है वो बता सकते हैं, अगर नहीं देखी है तो भी ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ एकदम पार्ट पार्ट करके। ये मैप आएगा, मेरे को लगता है आएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही इसको बता दिया था कि ये एक मिस्ट्री है। ये एक मिस्ट्री वो रख रहे हैं, जो बहुत दिन से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो मिस्ट्री, ये सरप्राइज आप देख सकते हो, ये दिखाया गया था। वो बोल रहे थे कि बहुत दिन से इसके ऊपर चर्चा हो रही है, तो ये आ रहा है, लेकिन ये अभी मिस्ट्री, ये सरप्राइज है, उन्होंने रिवील नहीं किया गया। पर एक चीज़ आप जान लीजिए कि अगर पबजी मोबाइल कुछ चीज़ रिवील नहीं करती, उसे एज अ मिस्ट्री छोड़ देती है, पर वो चीज़ आपके मन में, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत दिन से है, तो वो वही चीज़ होने वाली है। एक्सेप्शन मिनामा 2.0, क्योंकि हमने नहीं सोचा था मिनामा 2.0 आ जाएगा इतनी जल्दी बिफोर इरेंगल 2.0। सो उसको हम एक्सेप्शन रखते हैं, लेकिन इधर मिस्टीरिया सरप्राइज जब पबजी दिखा रहा है, तो दैट्स मीन इट्स इरेंगल 2.0। सो अब देखते हैं कि अपडेट कब आएगा। तो ये जो अपडेट है, जो कि है 1.0 का, वो आने वाला है 8 सितंबर 2020 पे। तो जी हाँ गाइस, 8 सितंबर 2020 पे आप सब लोग लॉग इन रह जाएगा ये अपडेट आता हुआ देखने के लिए। सो ये दैट्स इट फॉर द पार्ट टू ऑफ द वीडियो। सो होप यू गाइस एंजॉय इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए। सो गुड बाय।